हमारा इलेक्ट्रिक स्कूटर यूज करते हो आप तो आपको पड़ता है 9 पैसे पर किलोमीटर, दैट्स इट। क्लिक कीजिए सब्सक्राइब बटन को और प्रेस कीजिए ये बेल के बटन को और पाइए मेरी तरफ से लेटेस्ट वीडियोस। वेलकम बैक टू माय चैनल, मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं वीबीओ लाइव। हम आए स्कूडो, क्या है ये, ऊपर चलते हैं, इसके बारे में पूरी डिटेल देंगे, ज्यादा टाइम नहीं लेते। तो हम आ चुके हैं स्कूडो के शोरूम पे और यहाँ पे एक्सक्लूसिव वीडियो इनके साथ अभी थोड़ी देर में हम पूरी शूट करने वाले हैं। आप लोग भी हैरान हो जाएंगे कि हमने ये शूट कैसे कर ली, बिकॉज ये हमारा प्रोडक्ट है स्कूडो का, एक्यूट नाम है इसका। मार्केट के अंदर आने वाले टाइम में ये आग लगाने वाला है। पूरी वीडियो देखिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और स्किप मत कीजिएगा। तो पूरी डिटेल देते हैं इसी वीडियो में। मैं फर्स्ट फ्लोर के ऊपर और यहाँ पे हैं हमारे साथ इस टाइम पे, हाय, योर नेम इज पूजा, पूजा जी। तो पूजा जी हमारे को यहाँ पे इस टाइम पे एंटरटेन कर रहे हैं, जो इसके बारे में पूरी डिटेल देंगे और क्या क्या इसमें खासियत है वो बताएंगे। मैंने एक दो जगह पे इसके बारे में सुना है, कहाँ सुना वो बाद में बताएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल पूजा, हाय, मेरे को बताइए सबसे पहले तो अगर मेरे को ये स्कूटी लेनी है, इसका नाम जो आपने रखा हुआ है ब्रांड का स्कूडो, इसका मतलब स्कूडो मींस स्पीड, हमारी कंपनी ऐसी कंपनी है इज फोकसिंग ओनली ऑन हाई स्पीड स्कूटर्स, दैट मींस दीज आर रजिस्टर्ड मॉडल्स, नंबर प्लेट वाले स्कूटर्स हैं, हेलमेट पहन के और लाइसेंस लेके ड्राइव करना है। ओके, विदाउट लाइसेंस भी ड्राइव? नहीं। ओके, ठीक है। तो अब मेरे को बताइए इसकी कुछ खासियत है। खासियत तो इन खासियत से ही भरा हुआ है। सबसे पहली चीज है इंटायरली मेक इन इंडिया, दैट इज द मेन पॉइंट अबाउट दिस स्कूटर, दैट इज इंटायरली मेक इन इंडिया। चाइनीज पार्ट्स नहीं यूज़ कर रहे हैं, चाइनीज स्कूटर नहीं यूज़ कर रहे हैं, ना ही असेंबल हो रहा है चाइनीज का। मैक्सिमम चीज़ें हम लोग खुद डेवलप कर रहे हैं और 4 साल से हमारी R&D टीम इस स्कूटर पे लगी हुई है, जस्ट टू प्रोवाइड यू विद द बेस्ट क्वालिटी स्कूटर दैट यू कैन एवर हैव। ओके, और आपकी मैन्युफैक्चरिंग कहाँ पे हो रही है? मैंने सुना है मैन्युफैक्चरिंग बहुत पास में रहेगा, नोएडा। नोएडा में? हाँ। ओके, सबसे पहले इससे आगे जाने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन ये पूछना चाहूँगा, अभी हम जहाँ पे खड़े हैं उसकी लोकेशन मेरे को थोड़ा सा आप इनको बता दीजिए। ईस्ट एंड एनक्लेव पे जो हमारा हेड ऑफिस काम, यहाँ से हम लोग शोरूम सेल्स भी करते हैं, तो दिस इज द फर्स्ट स्कूडो शोरूम दैट यू कैन एवर हैव। ओके, तो मतलब लोकेशन तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे ही दूंगा। और मैंने कुछ सुना है इसकी रनिंग कॉस्ट, मतलब अगर कोई कहता है ना इंडियन अगर बंदा ले, मैन की भाषा में बात करेगी, कितने का देती है, मतलब क्या देती है? स्कूटर फ्री है सर। क्या बात है, स्कूटर की कॉस्ट है ही नहीं। अच्छा जी, स्कूटर की कॉस्ट ही नहीं है, ऐसे कहते हो? स्कूटर फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैं आपको बताती हूँ कि हमारा इलेक्ट्रिक स्कूटर यूज करते हो आप तो आपको पड़ता है 9 पैसे पर किलोमीटर, दैट्स इट। कोई भी पेट्रोल स्कूटर यूज करते हो 3.5 रुपीज़ पर किलोमीटर। तो अगर हम लोग इसको 100 किलोमीटर से करते हैं कि एवरेज आप 100 किलोमीटर चला लेते हो, तो हमारा वाला स्कूटर आपको मिलता है मात्र 9 रुपये पर 100 किलोमीटर। और जो पेट्रोल स्कूटर्स है वो आपको पड़ता है 350 पर 100 किलोमीटर। नहीं तो सीरियसली, ये 9 रुपये पर किलोमीटर पड़ता है, वो 9 रुपये 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर फॉर 9 रुपीज ओनली, दैट मींस यू सेव 1,20,000 पर ईयर। 3 साल में 3,36,000, स्कूटर पहले साल में फ्री होके घर में 2,40,000 दे के जा रहा है आपको। अब मुझे बताइए इसकी सर्विस की कॉस्ट क्या पड़ती है? सर्विस की कॉस्ट इसकी नाम मात्र है सर। ओके, 300 से 500 रुपए बस, 3 महीने में एक बार ही आपको सर्विसिंग करवानी है, वो भी फर्स्ट ईयर सर्विस हम फ्री दे रहे हैं। ओके, तो ये बहुत सी ईवीज मैंने स्कूटी खुद देखी हैं कि यार उनकी ना लाइफ नहीं होगी, थोड़े टाइम बाद इंडियन की रोड के ऊपर चलती है तो खड़क जाती है, उसका रीजन क्या होता है? जो मेन प्रॉब्लम आती है ना, ये सारे इलेक्ट्रिक स्कूटर्स जो टूट जाते हैं, या इतनी खबरें आती हैं टायर अलग हो गया फ्रंट वाला, मेन प्रॉब्लम है शॉकर्स की। अगर आप शॉकर्स अच्छे नहीं यूज़ करोगे, इंडियन सड़कों के हिसाब से यूज़ नहीं करोगे, तो यही प्रॉब्लम आएगी। तभी हम लोग में शॉकर्स जो है 2 मिलियन टाइम्स टेस्टेड है और लीक प्रूफ है, दैट इज द क्वालिटी ऑफ शॉकर्स दैट वी आर यूजिंग। आप भारी देखिए कितना है और उसके बाद प्रेस करके देखिए विशाल, एंड यू विल अंडरस्टैंड। सीरियसली भारी तो बहुत है, और इसको प्रेस करके देखते हैं। ओह माय गॉड, ये चीज तो बढ़िया लगी। और मैंने एक और भी चीज सुनी है, ये वाटर प्रूफ भी है शायद? ये कम्प्लीटली वाटर प्रूफ है, माई मोटर इज IP67 रेटेड, माई बैटरी इज IP67 रेटेड,
वाटरप्रूफ मोटर और बैटरी है और कोई दिक्कत ही नहीं है। मेरी चेसिस पे सीईडी कोटिंग है, 10 साल तक रस्ट प्रूफ वारंटी है यार। और एक वीडियो मैंने देखी थी उस पे आपने कुछ वेट रख के, वो वीडियो भी शायद मैं इस टाइम पे चला रहा हूं, वो क्या था, कितना वेट था उस पे? हां उस पे 300 केजीस वेट रखा हुआ था। वो मेरी चेसिस बेसिकली होता है स्केलेटन स्ट्रक्चर हमारे स्कूटर का। 300 केजीस के लोड बेयरिंग की कैपेसिटी टेस्ट होती है मेरी चेसिस की, और वो 300 केजी की लोड बेयरिंग कैपेसिटी में हम लोग देखते हैं जॉइंट्स तो नहीं टूट रहे या कुछ और तो नहीं हो रहा। एंड तो नहीं हो रहा, उसको सिंपल सा रखती है। अगर सिंपल सी भाषा में बोले 250 किलो अगर आप इस पे वजन डालें भी तो आपकी स्कूटी को कुछ नहीं होने वाला, राइट? कुछ नहीं होने वाला, आराम से चलने वाली है। नो प्रॉब्लम विद द एक्सीलरेशन, नो प्रॉब्लम विद द स्पीड, कुछ भी आपको दिक्कत नहीं आने वाला। हमारी उसकी भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली यार कि एवरेज कम दे रही है क्योंकि दो मोटे लोग बैठे हैं। चलिए तो अब हम फाइनली जाके इसका रिवील कर देते हैं जो प्राइस है। पूजा जी प्लीज़ मुझे बताइए इसका प्राइस, क्योंकि काफ़ी देर से मैं भी वेट कर रहा हूँ, इसका प्राइस मेरे को क्या पड़ता है? रेंज 100 किलोमीटर मात्र 95,000 एक शोरूम। यार एक शोरूम दिल्ली के अंदर, तो दिल्ली में क्योंकि दिल्ली में सब्सिडी भी मिलती है ना अपने को। ओके तो दिल्ली सब्सिडी माइनस करिए, मेक इन इंडिया प्रोडक्ट है यार, दिल्ली सब्सिडी भी मिलती है, स्टेट सब्सिडी अप्रूवल है हमारे पास। 95,000 का पड़ेगा एक शोरूम, उसके आप आओ देखो लेके जाओ यार, कुछ भी नहीं है। अब एक बार स्कूटी को मैं खुद भी टच करके फील करके इसके फीचर्स के बारे में खुद देखने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टेयरिंग के ऊपर हमारे को कुछ इस तरीके से कंट्रोल्स दिए हुए हैं यहाँ पे, और कुछ दिए हुए हैं यहाँ पे, जो इसका बेस्ट पार्ट मुझे लगा यहाँ पे आप देखेंगे तो ये बड़ा सही है यार, जस्ट प्रेस और ये आपका बाहर आ गया वो, और आराम से अंदर चला गया। ये बहुत अच्छा लगा मेरे को यहाँ पे, यहाँ पे ब्रांडिंग की हुई है जो इसके मॉडल का नाम है एक्यूट, और यहाँ पे कुछ इस तरीके से लाइट्स दी हुई हैं, और ये क्लेम कर रहे हैं कि पूरी की पूरी वाटरप्रूफ है। उसका एक एग्जांपल मैं आपको और देना चाहूँगा, क्योंकि थोड़ा सा हम भी टाइम ले लेते हैं आप लोगों से। यहाँ पे इस तरीके से इनकी सारी लाइट्स आ रही हैं, तो आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे तो सीलेंट पूरा इन्होंने सील की हुई है, और यहाँ पे इन्होंने पूरा अपना मैन्युफैक्चरिंग का जो यूनिट के मेन मेन पार्ट है वो वहाँ पे डिस्प्ले किए हुए हैं, जिसमें आपको पता लग जाएगा कि क्या क्वालिटी दे रहे हैं। जैसे कि दे रहे हैं यहाँ पे जेके के टायर, और यहाँ पे कुछ इस तरीके की लाइट्स दे रहे हैं, अल्ट्रासोनिक पैकेजिंग के साथ पैक की हुई हैं, जिससे कि वाटर का कोई चांस ही नहीं है अंदर जाने का, तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी है। सो अभी तो हमने इसके बारे में आपको पूरी दे दी डिटेल पूजा जी के साथ। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप भी ये स्कूटर लेना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर इस टाइम पे नंबर फ्लैश हो रहे हैं, जिन पे कॉल करके आप इस स्कूटर के बारे में और डिटेल्स देना चाहें तो पूजा जी या इनकी टीम आपको पूरी डिटेल्स देगी। और अगर आप इसकी डीलरशिप भी लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं, राइट? एग्जैक्टली। और पूरे दिल्ली के अंदर इस टाइम पे और NCR में ये थोड़े टाइम में ही आने वाले हैं ह्यूज लेवल पे, तो हम भी वेट करेंगे, हम इनको विशेस भी करेंगे कि प्लीज़ आप जल्दी आइए, क्योंकि इतना अच्छा स्कूटर है। हमारे को और भी इनके प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पे, बट उनके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो हम बाद में बनाएंगे, अभी हमने इसके ऊपर बनाया क्योंकि मेरा इंटरेस्ट बन रहा है इसको लेने का थोड़े टाइम में। देखते हैं क्या होता है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए अगर कोई क्वेरी है, तो मैं भी नेक्स्ट वाली वीडियो में जब इनके साथ बनाएंगे तो उसके आंसर दूंगा, नहीं तो आप इनको भी कॉल करके डिटेल्स ले सकते हैं। हाँ जी, इस वीडियो करते हैं यहीं पे खत्म। सिंपल सी एक वीडियो थी जिसमें हमने आपको बताया एक्यूट के बारे में, अभी एक्यूट के बारे में पूरी और डिटेल्स हम दे चुके हैं, कुछ रह गया हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, टेक केयर एंड लव यू। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, इंस्टा पे फॉलो नहीं किया फॉलो कर लो प्लीज़। कौन से वाला मिल जाएगा, जब ये स्कूटी घर पे आएगी ना तब मिलेगा।